प्रदेश के नागरिक उड्डयन, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज के मंत्री नंद गोपाल नंदी मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बनाकर देश को वैश्विक गुरु बनाने का संकल्प लिया है, जिसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गुंडों और माफियाओं का खात्मा करके व्यापार का समृद्धशाली और उत्तम माहौल बनाया है तथा उत्तर प्रदेश में जहां निडरता के साथ व्यापार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहीं सरकार की सभी लाभकारी नीतियों का माहौल है तथा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रदेश से लेकर देश तक एक नीति बनाकर हम सभी के व्यापार को और अधिक तेज़ रफ्तार देने का अवसर दे रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में सपा की सरकार के दौरान पूरे प्रदेश के आम जनमानस में डर और भय का माहौल व्याप्त रहता था तथा कहा जाता था कि जिसकी गाड़ी में सपा का झंडा है उसमें बैठा हुआ गुंडा इस तरह के गुंडे व्यापारियों का लगातार उत्पीड़न करते रहे और देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने वाले व्यापारियों के हितों के लिए कभी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि सपा के कार्यकाल के दौरान व्यापारी असुरक्षित महसूस करता था तथा ना ही व्यापार के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही सुरक्षित माहौल था। यदि किसी व्यापारी का व्यापार बढ़ता तो तरह तरह की वसूली के लिए गुंडे और माफियाओं ने माहौल बना रखा था, जिसके कारण प्रदेश लगातार पिछड़ता जा रहा था। वहीं अपनी तिजोरी को तरह तरह के हथकंडे अपना कर भरने वाली बहन मायावती ने भी प्रदेश को पीछे ढकेलने का काम किया तथा आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश और प्रदेश को समृद्धशाली बनाने के लिए व्यापारियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो लोग व्यापार करते हैं वे अपने प्रदेश के साथ पूरे देश के विकास में भागीदार बनते हैं। इस बात को अगर किसी ने समझा है तो केवल इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाया, जिन्होंने जब से इस देश की बागडोर संभाली है देश को लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात दे रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट। प्रदेश में पहले 2 एयरपोर्ट कार्यरत थे लेकिन अब 9 एयरपोर्ट हैं और जल्द इसकी संख्या 17, क्योंकि 8 पर तेजी से काम चल रहा है तथा उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होगा। वहीं धार्मिक स्थलों के कॉरिडोर बनने से अटूट आस्था रखने वाले लोगों को सुगम और दिव्यता का अनुभव करेंगे। वहीं पर्यटन व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही एकल विंडो के माध्यम से बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने वालों को होने वाली सुविधाओं को आसान बनाया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी गुप्ता ने कहा, विदित है माननीय प्रधानमंत्री जी, देश को $5 इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश को लगातार वैश्विक गुरु बनाने के लिए जो उनका संकल्प है, जिसको पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को तमाम सारी सौगातें दी है। देश के प्रधानमंत्री जी, इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश को बहुत सारी सौगातें दे रहे हैं, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर तरह से हमने व्यापार और व्यापारी भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने काम किया है। हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, तो वहीं दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। आज हम लोग बहुत ही पवित्र स्थान पर बैठे हैं, गोरखनाथ मंदिर, जो आप जानते ही हैं कि इतना पवित्र स्थान है। यहाँ पर भी एम्स, खाद के इतने बड़े कारखाने और बहुत सारे विकास की दृष्टि से आप देखेंगे तो पूरा गोरखपुर की तकदीर और तस्वीर बदली है। योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में गुंडों और माफियाओं का खात्मा करके व्यापार को समृद्धशाली और उत्तम माहौल बनाया है। उत्तर प्रदेश में जहां निरंतरता और निडरता के साथ व्यापार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहीं सरकार की सभी लाभकारी नीतियों का माहौल है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रदेश से लेकर के देश तक में एक नीति बनाकर हम सभी व्यापार को अधिक तेज रफ्तार देने का अवसर दे रही है। पूर्व में सपा की सरकार के दौरान प्रदेश में आम जनमानस में डर और भय का माहौल व्याप्त रहा।
कहा जाता था कि पूर्व की सरकारों में जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, इस तरह के गुंडे और गुंडे व्यापारियों को लगातार उत्पीड़न करते रहे और देश की अर्थव्यवस्था में जो अपना योगदान देने वाले व्यापारी हैं उनको परेशान किया जाता रहा, कभी उनके बारे में नहीं सोचा गया। सपा के कार्यकाल के दौरान व्यापारी असुरक्षित महसूस करता था, ना ही व्यापार के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ही सुरक्षित माहौल। यदि किसी व्यापारी का व्यापार बढ़ता है तो तरह तरह की वसूली, गुंडे और माफियाओं ने माहौल बना रखा था, जिसके कारण प्रदेश में लगातार पिछड़ापन पिछड़ा जा रहा था। अपनी तिजोरी भरने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना कर भरती थे। बहन मायावती जी भी सरकार में किस तरह से 100 करोड़ की सड़क को 200 करोड़ की बना करके बेच दे और अपनी तिजोरी भरे, केवल इसके लिए काम करती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने, जिन्होंने जब से इस देश की बागडोर संभाली है, देश को लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात दे रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, प्रदेश में पहले केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, आज उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट संचालित हैं, जहां केवल 2 थे आज 9 एयरपोर्ट संचालित हैं, और देश का पहला राज्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को, जहाँ पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बगल में कुशीनगर भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से हुआ है। धार्मिक स्थलों का कॉरिडोर बनाकर अटूट आस्था रखने वाले लोगों को सुगम दिव्यता का आज लोग अनुभव कर रहे हैं, ऐसा माहौल दिया गया है। आगाज 2022 जो कार्यक्रम है, व्यापार को और तेजी रफ्तार कैसे मिले, इसके लिए भारत सरकार के यशस्वी कैबिनेट मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी का हमें सानिध्य प्राप्त होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरक मार्गदर्शन प्राप्त होगा, और 8 जनवरी 2022 को भारी बड़ी संख्या में यहाँ से लोग जाएंगे। अभी मैंने व्यापारी भाई से पूछा तो यहाँ विभिन्न छोटी बड़ी बाज़ारों से अभी तक 108 बसों की लिस्ट आई है और करीब 500 फोर व्हीलर की गोरखपुर शहर से आई है। अभी बाज़ार की जो फोर व्हीलर की लिस्ट है वो लोग बना रहे हैं। मैं सभी व्यापारी भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और पत्रकार के मीडिया के सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मुझे लेट हुआ थोड़ा सा यहाँ आने में, उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ। मंत्री जी, कितनी भीड़ की आस्था? हम यही कहेंगे कि जिस तरह से पूरब से लेकर पश्चिम तक, मैं सहारनपुर भी गया, सहारनपुर की छोटी एक नकुड़ विधानसभा है, वहाँ पर भी गांव-गांव बाजार गया, मुरादाबाद गया, कल भी आज भी मैं नोएडा, गाजियाबाद सब करते हुए आ रहा हूँ, और आज मेरा गोरखपुर है, फिर गोंडा है, फिर बस्ती है, फिर अयोध्या है, तो मैं 75 के 75 जिलों में दौरा कर रहा हूँ और तमाम हमारे सहयोगी व्यापारीगण, व्यापार मंडल के संगठन, वैश्य एकता परिषद, केसरवानी समाज, जायसवाल समाज, अग्रवाल समाज, माहौर वैश्य, अयोध्यावासी वैश्य, जितनी भी वैश्य समाज की उपजातियाँ हैं, जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, जिस तरह से सबका सहयोग मिल रहा है, निश्चित रूप से लाखों की संख्या वहाँ पर पहुँचेगी। हम लोगों ने पूरे प्रदेश से टारगेट किया है कि कम से कम 1 लाख फोर व्हीलर वहाँ पर पहुँचे, और 1 लाख फोर व्हीलर पहुँचने के लिए हम लोगों ने जो टारगेट किया है, 10,000 ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लोग हैं जो वन टच में हैं, जिनको हम बाई नेम जानते हैं, चाहे वो हरेन जायसवाल जी हों, चाहे राजेश जायसवाल जी हों, चाहे मनोज जायसवाल जी हों, चाहे राजेश गुप्ता जी हों, चाहे संतोष गुप्ता जी हों, चाहे राम जी केसरवानी जी हों, चाहे विवेक अग्रवाल जी हों, चाहे अनूप अग्रवाल जी हों, चाहे संतोष गुप्ता जी हों, ये जितने लोग हैं, व्यापार मंडल के संगठन हैं, व्यापारिक संगठन हैं, वैश्य समाज की तमाम संगठन हैं, उपजातियाँ हैं, इन सब 10,000 लोगों को 10-10 फोर व्हीलर का टारगेट दिया गया है, और हमें खुशी है
कि सब जगह से बड़ा उत्साहपूर्वक रिजल्ट आ रहा है। हमारे समाज के तमाम माननीय मंत्रीगण, तमाम विधायकगण, वो सारे लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। निश्चित रूप से 10-10 का टारगेट वो पूरा कर लेंगे। कोई कोई तो 10 की जगह 25 भी कर रहा है, कोई कोई 10 की जगह 5 कर रहा है, तो जो कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो 1,00,000 फोर व्हीलर वहाँ पर इकट्ठे होने की संभावना है। देखिए हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, मैं फिर से पुनः कहूँगा, आप सब पत्रकार भाई हैं, आप देश दुनिया की खबरों को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करते हैं, आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है, चौथे स्तंभ के रूप में आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हमने सुना था कि अमेरिका पूरे दुनिया पर राज करता है, बहुत सामर्थ्यवान देश है, ताकतवर देश है। हमने पढ़ा था ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता, अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, यहाँ डूबता है तो दूसरी जगह निकल आता है। इतने सामर्थ्यवान और ताकतवर देश जहाँ कोरोना और कोविड के आगे घुटने टेक दिए, हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है और इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जिन्होंने इस देश को कोविड काल के संकट से बचाने के लिए समय से लॉकडाउन का निर्णय लेकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड की जो टीम 11 इस तरह से बैठक करके, आपने देखा कि उनके पिताजी की डेथ भी हो गई, फिर भी उस प्रदेश के 23 करोड़ लोगों को, 24 करोड़ लोगों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, कैसे उनको संभाल के रखा जाए कि इसका बहुत प्रसार ना हो, ज़्यादा वो ना हो। TTT आप देखिए, WHO ने भी इसको सराहने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के मॉडल को, देश के और मुख्यमंत्रियों ने इसको कॉपी करने का काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के मॉडल को दुनिया के और नेताओं ने अपने देश में लागू करने का काम किया। तो हम सब का, मैं हम आप सबको और प्रदेश की आम जनमानस को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोविड गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखते हुए किसी भी कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा और उसमें वहां पर ये सारी व्यवस्था होगी कि किसी भी तरह से इसका प्रसार ना हो और फैले ना, और इस पर इसकी रोकथाम की जाए। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में ये सम्मेलन चुनाव के दृष्टिकोण देखा जाए तो कितना प्रभाव? देखिए चुनाव नज़दीक है और चुनाव की दृष्टि से अगर हम बात करें तो 2014 आप सब उसके साक्षी हैं, गवाह हैं। इस देश में एक ऐसा बदलाव आया, इस देश की जनता जागरूक हुई, और मैं प्रदेश की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश ने 73 सीट दे करके इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देने का काम किया। उत्तर प्रदेश ने 73 सीटें दी, मतलब आप समझिए कि 90% से ज़्यादा अगर हम कहें तो हमारा रिजल्ट रहा, 90% ज़्यादा लोगों ने वोट दे करके हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के हाथ में इस देश की बागडोर दी। और इस देश के परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से इस देश की बागडोर उन्होंने संभाला, 2014 से 2017 तक लगातार जो उन्होंने काम किया, जब आम चुनाव हुए प्रदेश में तो 2017 में प्रचंड बहुमत दे करके भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश ने सरकार बनाई, जी एक बार सपा एक बार बसपा, इन दोनों की लूट खसोट से इस प्रदेश की जनता त्रस्त हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आशा विश्वास और 130 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके उनकी नीति और रीति बनी, तो प्रदेश की जनता ने उस पर मोहर लगा करके इस प्रदेश की प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दी। हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के एक निर्णय ने इस प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया। उन्होंने इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में दी, तो इस प्रदेश को जाति धर्म के मजहब से ऊपर, जाति धर्म के जंजाल से निकालने का काम किया, भ्रष्टाचार से निकालने का काम किया। आप जानते हैं जब सपा की सरकार होती थी तो यादव के बेटे से भी 10,00,000 रुपए लेकर के नौकरी दी जाती थी, जो गैर यादव थे उससे 15,00,000 और 20,00,000 लिया जाता। जब बसपा की सरकार थी तो जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे होते थे उनके भी बेटी बेटों से 7,00,000 और 5,00,000 रुपए लेके नौकरी दी जाती थी, और जो गैर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड है 10,00,000 अगर श्रवण है तो 15,00,000 और 20,00,000 लेके नौकरी दी जा सकती है। आज 5,00,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिली है, उसमें वैश्य का भी बेटा है, व्यापारी का भी बेटा है, दलित का भी बेटा है, मुस्लिम का भी बेटी
बेटी बेटे हैं और सभी समाज के बेटी बेटों को नौकरी मिली और आदमी छाती ठोक के कहता है एक पैसा नहीं देना पड़ा और कहीं सिफारिश नहीं करनी पड़ी, मेरिट के आधार पर नौकरी मिली है। तो इस प्रदेश को जाति धर्म मजहब के भेदभाव से ऊपर उठा करके सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा, इसको हमने धरातल पर दिखाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हुआ, तो 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, 2019 में भी देश ने और ज़्यादा झूम करके, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, लोग कहते थे एक बार सपा एक बार बसपा बड़ी टफ रहती है, एक बार सपा एक बार बसपा, ये दोनों मिल जाएंगे तो गजब हो जाएगा, ये दोनों मिल गए, लेकिन इस प्रदेश की आम जनमानस ने इन ठगने वालों को किनारे कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया। इसी तरह से यूपी को 7 पसंद है, पप्पू और टीपू इकट्ठे हो गए, उसके बावजूद लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, तो निश्चित रूप से आम जनमानस इस देश का विकास, इस प्रदेश का विकास किसके हाथों में ये जानता है, और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कितने कोविड की गाइडलाइन है, इस देश के लोगों को बचाने के लिए, इस प्रदेश के लोगों को इसका प्रसार प्रसार ना होने पाए, कोविड के प्रकोप से लोग बचें, इसके लिए जो भी जरूरी एहतियाती कदम है, एहतियात के तौर पर जो भी कदम हैं उठाए जा रहे हैं, भारतीय जो भारत सरकार में इसकी कमेटी है, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, विदेश मंत्रालय, ये सब लोग मिलकर के निर्णय लेते हैं, ये भारत सरकार के का विषय है।